बुधवार की शाम कचरा फेंकने के मैदान में हजारों की संख्या में कार्ड को कचरे में फेंका पड़ा देखा गया। इन सभी कार्डों को जांचने के बाद पाया गया कि यह हजारों लोगों के नाम के केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्ड था। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस कचरे के ढेर में ये हजारों स्वास्थ्य बीमा कार्ड आए तो आए कहाँ से? ये खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। स्थानीय लोगों ने इस पर आक्रोश जताते हुए राज्य सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि अगर ये सभी कार्ड जरूरतमंदों तक सही समय पर पहुंच जाते तो उन्हें काफी हद तक इन कार्ड से मदद मिल पाती, लेकिन सरकार ने इस पर लापरवाही की है। तो वहीं इस मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। एक केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा का कार्ड है, ये आपका सामने में है, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में यहाँ फेंका हुआ है। उस जगह फेंका हुआ है जहाँ कचरा का ही ढेर लगा हुआ है। अगर ये सही जगह पर पहुँच गया रहता, केंद्र के द्वारा भेजा हुआ कार्ड, ये अगर ममता सरकार सही जगह जनता के बीच में पहुँचा दी रहती तो ये आज यहाँ न रहकर जिसको जरूरत था जरूरतमंदों के हाथ में रहती। ये जो गंदगी है, एक गंदगी से जिसको बीमारी होता है, वो बीमारी जिसको हुआ था उसके पास पहुंच जाता और इससे उसको लाभ होता। लेकिन ये कार्य यहाँ की सरकार ना होकर नहीं कर इसको फेंक दी है। कितना संख्या होगा यहाँ पर? हजारों का हजार संख्या है, मेरे को लग रहा है कि ये 3 से 4 हजार कार्ड होगी। यहाँ पे हम लोग सामने में मैदान है चमेलिया पार्क, और यहाँ पे हम लोग खेलने के लिए आए थे। बोल जैसे यहाँ पे आया तो हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्ड यहाँ पे फेंका हुआ है। तो फिर हम लोगों ने सब कोई चिंतन किया कि ऐसा कार्ड जो स्वास्थ्य के लिए रहना चाहिए सभी के पास में, और यहाँ पे फेंका हुआ है कचरा में। ये कहाँ पर फेंका है? ये यहाँ पे भगाड़ है, यहाँ पे फेंका जाता है हर कचरा उछड़ा, तो यहाँ पे फेंका हुआ था सर। ऐसा क्या इस कार्ड को रास्ता पर फेंकना चाहिए? नहीं सर, ये तो नहीं फेंकना चाहिए। कौन लोग फेंका कुछ पता? ये सर मुझे जानकारी नहीं है, बट यहाँ पे देखे हम लोग कार्ड फेंका हुआ सर पूरा। कितना परिमाण होगा? कम से कम यहाँ पे सर कम से कम 2 से 3 हजार कार्ड फेंका होगा।